दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्क परमिट क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है और वीजा क्या होता है और ये तीनों में क्या अंतर है, क्योंकि आप में से मेरा बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेरीज था कि वर्क परमिट क्या होता है, वीजा क्या होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा पासपोर्ट के बारे में आपको बता दूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तब मुझे भी समझ में नहीं था कि वीजा का मतलब क्या होता है और वर्क परमिट में क्या अंतर है। वीजा और वर्क परमिट में क्या अंतर है मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मुझे समझ में आ गया है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी इसका आइडिया हो जाए और जब भी आप वीजा के बारे में या फिर वर्क परमिट के बारे में कुछ भी संदेह है तो आपको आसानी से पता चल जाए। तो आज के वीडियो में मैं इन डिटेल्स में बताने वाला हूं कि इन तीनों में क्या अंतर है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपका स्वागत करता हूं आज का एक नया वीडियो में। अगर आप पहले बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए और इसी तरह रोज नए नए वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन में जाके नोटिफिकेशन फॉर ऑल को जरूर क्लिक करें ताकि मैं जब भी नया कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि पासपोर्ट होता क्या है। दोस्तों पासपोर्ट ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो आपको उस देश का नागरिक के तौर पे दिखाता है या बताता है या प्रूफ करता है। मान लीजिए अगर आप इंडियन हैं और आपके पास पासपोर्ट है और आप जब भी कहीं विदेश जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप इस देश की नागरिक हैं। बिना पासपोर्ट का आप कोई विदेश में आप यात्रा नहीं कर सकते, ठीक है। तो समझ जाइए कि ये एक दस्तावेज है जो आपको प्रूफ करता है कि आप उस पर्टिकुलर देश का सिटीजन है, नागरिक है। इस दस्तावेज में सारे इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे कि आपका फोटोग्राफ्स, आपका नाम, आपका सेक्स, आपका फैमिली बैकग्राउंड यानी माता पिता का नाम, आपका रेसिडेंस प्रूफ, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा मंडल या कौन सा गांव या कौन सा पंचायत में है, तो सारा डिटेल्स इस दस्तावेज में मौजूद रहता है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट कहां से बनाया गया है इसका भी विवरण साफ साफ अक्षरों में लिखा होता है। तो इसे कहते हैं पासपोर्ट, जो बेसिकली आपका सिटीजन नागरिक आइडेंटिटी को प्रूफ करता है। अब जानते हैं दोस्तों वीजा क्या होता है। तो वीजा जो होता है दोस्तों वो टेम्पररी रेसिडेंस के लिए होता है। आप कुछ दिन के लिए जाना चाहते हैं, उस देश में घूमने जाना चाहते हैं या फिर किसी भी काम के लिए जाना चाहते हैं। मैं बताऊंगा आगे कि क्या क्या वीजा होते हैं, ठीक है। तो वीजा का मतलब होता है कि आप कुछ दिनों के लिए उस देश में जाके रहेंगे या रहना चाहते हैं, ठीक है, और वहां का गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल लेना होता है, उसे कहते हैं वीजा, जो आपका पासपोर्ट में लगता है। जब भी आप अपना देश से उस देश में जाते हैं और आपके पास अगर प्रायोरिटी अगर वीजा है तो आपके लिए आसान हो जाता है, उस देश का जो भी चाहे आप अथॉरिटी कहें वो आपको अलाउ करते हैं कि आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए हैं इस देश में आके कुछ दिन रहने के लिए, ठीक है जी। तो आपका जो पासपोर्ट है वो पहले तो आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी के वजह से आपको मिल जाता है वीजा पर्टिकुलर कोई देश में जाके कुछ दिन का रहने का। अब बात करते हैं कि क्या क्या वीजा होता है, यानी टाइप्स ऑफ वीजा। तो जो है दोस्तों टूरिस्ट वीजा, वर्क परमिट, स्टूडेंट वीजा या एजुकेशन वीजा कह सकते हैं, डिपेंडेंट वीजा, बिजनेस वीजा और एक होता है दोस्तों वीजा ऑन अराइवल। तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट वीजा होते हैं। और दोस्तों इसमें बात करें पासपोर्ट का, तो पासपोर्ट भी तीन प्रकार के होते हैं इंडिया में, ठीक है। वो तीन प्रकार का पासपोर्ट कौन कौन सा होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताइए। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि वो तीन पासपोर्ट क्या क्या होते हैं और कौन एलिजिबल होता है वो पासपोर्ट बनवाने के लिए। अब बात करते हैं वर्क परमिट क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप इंडिया से हैं और आप कोई दूसरा देश में जाकर काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देना होता है एज पर वैकेंसी, एज पर ओपनिंग ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, जो कंपनी आप जाना चाहते हैं, जहां पर आपने देखा कि वहां पर वैकेंसीज हैं, तो उस वैकेंसीज को देख के आपको अप्लाई करना होता है कंपनी में। अगर कंपनी वालों को आपका प्रोफाइल पसंद आ जाता है, कंपनी वालों को लगता है कि जो स्किल्स आपके पास है वो हमारा देश में नहीं है, तो आपको जॉब का ऑफर करते हैं। जब जॉब का ऑफर करते हैं दोस्तों तो वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि जो पर्टिकुलर इंसान को हम ले रहे हैं हमारे कंपनी में, जिनके पास एक्सक्लूसिव स्किल्स है जो हमारे देश में नहीं है और इसीलिए हम उसको लेना चाहते हैं,
तो ये सारी बातें दोस्तों लिख के गवर्नमेंट ऑफ उनके कंट्री को देना होता है, तभी जाके वो अप्रूवल मिलता है, जिसको हम कहते हैं वर्क परमिट। तो उसमें कुछ डेट मेंशन रहता है कि इस तारीख से इस तारीख तक ये बंदा या बंदी जो है ही और शी कैन वर्क इन पर्टिकुलर दिस कंट्री उस पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं स्पॉन्सरशिप। और जो गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है दोस्तों उसे कहते हैं वर्क परमिट, ठीक है, वो वीजा नहीं है, वो सिर्फ वर्क परमिट है, ठीक है। तो जैसे आपको वर्क परमिट मिल जाता है फिर आप अपने देश में उस वर्क परमिट के साथ में अप्लाई करना होता है वीजा के लिए, ताकि आपका देश और वो देश दोनों का सहमति से आपको वीजा स्टाम्पिंग होगा आपका पासपोर्ट में। आपने देखा होगा पासपोर्ट में जो वीजा चिपकता है, चाहे आप सऊदी अरब जाएं, ठीक है, चाहे आप कुवैत जाएं, चाहे आप यूरोपियन कंट्री में जाएं, यूके जाएं, यूएस जाएं, जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, तो प्रायरली आपका कुछ देश जो है दोस्तों वहां पर ई वीजा होता है, जो आपका जाने के बाद आपको वीजा का स्टिकर मिलता है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आपको प्रायरली पहले से ही आपको स्टिकर चिपकाना होता है, वीजा का स्टिकर चिपकाना होता है आपका पासपोर्ट में। आपको मैं जरा दिखा देता हूं, इस टाइप का दिखता है दोस्तों पासपोर्ट, जहां पर आपको स्टिकर जो चिपका हुआ आप देख सकते हैं। और कुछ जो देश हैं जहां पर सिर्फ स्टाम्पिंग होता है, ठीक है, स्टाम्प मतलब जो सील होता है ना, सील आपने देखा होगा, उसमें आपको दिखा देते हैं अराइवल एंड डिपार्चर, आपके पास जो ई वीजा होता है, जो पेपर वीजा होता है, वो दिखाने से ही चल जाता है। कुछ देश में आप वीजा ऑन अराइवल भी मिलता है, जैसे कि मालदीव अगर जाते हैं आप टूरिस्ट, ठीक है, तो आपको पहले से कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ से जाते हैं इंडिया से मालदीव, वहां जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद आपको मिल जाता है वीजा कुछ दिन स्टे करने के लिए एज ए टूरिस्ट। तो दोस्तों ये था डिफरेंस कि पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है और वर्क परमिट क्या होता है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट्स हैं और कुछ आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा आपका जितना भी कमेंट रहेगा उसको रिप्लाई करने के लिए एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।